बीते 4 सालों में मोदी सरकार रोजगार देने में असफल रही है, सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अभी तक ये आरोप विपक्षी दल लगा रहे थे, लेकिन अब तो मोदी सरकार की नीतियों का गुणगान करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव भी उन पर हमलावर हो गए हैं। बाबा रामदेव ने रोजगारी के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बेरोजगारी आज भारत माता के माथे पर कलंक बन चुकी है। भोपाल पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में बेरोजगारी को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी पूरे देश में एक बड़ा प्रश्न बन चुकी है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें उसे कम नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि सरकार को रोजगार सृजन करने के लिए जितने कदम उठाने चाहिए थे, सरकारों ने उतनी कोशिश की ही नहीं। जबकि पतंजलि ने पिछले एक महीने में सिर्फ सेल्स विभाग में 11,000 लोगों को नौकरियां दी है। अपनी पीठ थपथपाते हुए रामदेव ने कहा कि आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ये सब आज भारत माता के माथे पर कलंक जैसा है। इनको मिटाना ही हमारा मकसद है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रामदेव पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर सरकार को घेर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो आज भी 35 से 40 रुपए में पेट्रोल और डीजल मिल सकता है, लेकिन सरकार को जनता से ज्यादा अपने खजाने की फिक्र है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।